माफिया तीक अहमद के बेटे अली अहमद ने आज जिला अदालत में सिलेंडर कर दिया है। अली पर 50,000 का इनाम घोषित किया गया था। अली प्रॉपर्टी डीलर से रंगदारी मांगने के साथ ही हमला करने के प्रकरण में लंबे समय से वांछित चल रहा था। पिछले 6 महीने से उत्तर प्रदेश की एसटीएफ के साथ प्रयागराज की पुलिस भी उसकी तलाश में जुटी हुई थी। इसका पता चलते ही कर्नलगंज पुलिस सहित अन्य थानों की पुलिस विधिक कार्रवाई करने पहुंच गई है। कर्नलगंज सीओ अजीत सिंह चौहान ने कहा है कि अली ने करेली के मुकदमे में आत्मसमर्पण किया है। आपको बता दें, माफिया तीक अहमद के पुत्र अली अहमद पर अभी तक 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। अली अहमद खुलदा के चकिया मोहल्ले का रहने वाला था। बीते वर्ष प्रॉपर्टी डीलर से 5 करोड़ की रंगदारी मांगने और हमला करने के आरोप में अली व उनके साथियों के विरुद्ध करेली थाने में मुकदमा कायम किया गया था। अली पर पहले 25,000 और फिर 50,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 2 साथियों को उसी समय गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था, लेकिन अली सहित अन्य लोग फरार चल रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, IPN।